अलिफ लाम इंसान। सबको चा नाम है अल्लाह, बंदा कमी बंदा चल्ला। सबको चा नाम है अल्लाह, बंदा कमी बंदा चल्ला। दुआ विच तू रख पहचान, दोवा विच तू रख पहचान। अलिफ लाम इंसान मौला जी, मौला जी, मौला जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, अल्लाह ईमान सलामत रखे। आमीन। बाबा जी, आपकी आवाज और आपका ये कलाम मेरे अंदर एक हलचल मचा देता है। अरे बेटा, हलचल वहीं ही मचती है जहां इश्क की बूटी मुश्क मचाने के लिए तैयार। बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मास्टर साहब, अगर हम यहाँ पढ़ने आ गए तो मजदूरी करने कौन जाएगा? हाँ, अगर मैं भी भीख नहीं मांगूंगा ना तो अब्बू मुझे मारेंगे और घर में रोटी भी नहीं पकेगी। बेटा, मैं तुम्हें सारा दिन थोड़ी पढ़ाऊंगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा सबक दूंगा ताकि पढ़ लिख कर तुम लोगों को भी अपने इंसान होने का पता चल सके। तो मास्टर साहब, सिर्फ पढ़ने लिखने से ही पता चलता है कि हम इंसान हैं? हाँ बेटा, हम तो सब इंसान हैं, लेकिन असल इंसान क्या है वो इल्म ही से पता लगता है। अब इस तख्ते स्याह की तरफ देखो जिस पे मैं अलिफ लिख रहा हूँ। अलिफ से बनता है अल्लाह और अलिफ से बनता है इंसान। मास्टर साहब, क्या अल्लाह और इंसान एक हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है और अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, वो आसमानों पर है और हम सब जमीन पर हैं। पर मास्टर साहब, अगर अल्लाह इंसान एक नहीं है तो फिर दोनों को अलिफ से क्यों लिखते हैं? जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो तभी पता चलेगा कि इस अलिफ में क्या राज है। मगर मास्टर साहब, अभी क्यों नहीं पता चल सकता? अभी तुम छोटे हो, तुम यही समझो अल्लाह एक है और बहुत बड़ा है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए कि वो मुकम्मल है और इंसान नामुकम्मल। इंसान से तो बड़ी गलतियाँ और बड़ी खताएं होती हैं। मास्टर साहब, इंसानों से गलतियाँ क्यों होती हैं? इंसान की ख्वाहिशात, इंसान का लालच, मोहब्बत, नफरत, हसद, तकब्बुर उससे गलतियाँ करवाते हैं और इंसान गलतियों पे गलतियाँ किए चला जाता है क्योंकि वो इंसान ठहरा। जानी, तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, सवेरे से हाय हाय करती जा रही है। ए, मेरी तो लत मुझे नहीं उठने देती है, लगता जान लेके छोड़े। रानी, तू तो उठ जा, उठ मेरी धी। उठ, उठ जा रामखोर, और सूरज सर पे आ गया, उठ जा, और भीख मांगने कौन जाएगा? उठ। आए।
अबे अल्लाह की कसम सारी रात मर गई हूँ बुखार में। आज सोने दे थोड़ा आराम करन दे। ओए उठ। अब मुझसे तेरे नखरे नहीं सह जाते, समझी क्यों नहीं? और मांगेगी नहीं तो रोटी कहाँ से खाएगी? चलो। अरे बलका छोड़ दे। अरे हाय बलका। आज ना भेज इसे कम पे। देख तो कितना बुखार चढ़ा इसे, सारी रात हाय हाय कर रही। तू तो चुप्पी कर जा, टूटी पिंजर बड़ी पड़ी है बंजी ते, मरती भी नहीं है कि जान छुटे। चल उठ जा। अबे तू भी बड़ा जालिम है, सानू भी इंसान समझ ले। ओ तू बड़ी है इंसान की बच्ची, ओ बाकी ने सारे कुत्ते बिल्ली है। अबे तू सानू इंसान ही किथे, कुत्ते बिल्ली तो समझ ले। छोड़ दे, चल चल चल, छोड़ दे मलके। थोड़ी सी दे दे। कहाँ रह गई है ये? आज अभी तक क्यों नहीं आई? वरना इस वक्त तो आ जाया करती है। ना जाने क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है मुझे। रुक तो, जाता कहाँ है? कल्ले को कितना मार रहे हैं तीनों। नाचते फिरते हो हमारे सामने, नाचते हुए क्या मौत पड़ रही है तुझे? हैं? आ जाओ उनको मजा चखाएं। भला क्या मैं? अबे क्यों लड़कियों की तरह नखरे दिखाता है? मैं गाना गाता हूँ तो नाच नाच। भाग भाग, पागल है ये, पागल होगी तेरी माँ। कहीं वाकई में मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? तू हिजड़ा है, तू इंसान भी तो है ना, तुझे हाथ पैर नहीं मिले हैं? एक तो इन हिजड़ों ने ना अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है। ये कौन इंसान समझता है रानी? कोई नहीं समझता, तो खुद तो इंसान बनना और अपनी इज्जत खुद बना। तुझे कोई एक लगाता है ना, तू भी छित्र मार उन्हें, गैरत पैदा कर। पागल जना औरतें, ये जो कमीने है ना, बड़े फरने खान बनते हैं, इनकी औकात ना कुछ भी नहीं है, तुम लोगों से भी कम है। पागल जे रानी, शुक्रिया। तूने अब इनसे कुट खाई ना, तो मैं तुझे छित्तर लगाऊंगी, समझ आई? कुछ कर, बस ये नाच गाना ना किया कर, अपने हाथ पांव इस्तेमाल कर, इंसान बन। गोला गंडा खिला दे। रानी, कैसी है? क्यों अन्ना है, हट्टी कट्टी हूँ, नजर नहीं आ रहा तुझे? ले ना, तेरे लिए लाया हूँ, बड़ी मजे की है। क्यों तू अच्छी लगती है ना मुझे, बहुत अच्छी लगती है। मुझसे पूछेगी नहीं कि तू मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि तुमने मुझे इंसान समझा, बिल्कुल अपने जैसा। ये बाकी जितने लोग हैं ना, ये कहाँ इंसान समझते हैं मुझे? तुमने मुझे कितना हौसला दिया है ना। कैसा हौसला? अब कोई भी मुझे दबाने की कोशिश करेगा ना, तो खुद ही निपट लूंगा उसे। तुमने ना बहादुर बना दिया मुझे। ले लेना। मुझे नहीं लेनी तेरी हराम की कमाई की चॉकलेटें, दबाओ तू यहाँ से। क्या मतलब? ये जो तू नाच गाने का काम करता है ना, ये हराम है, दोजख में जाएगा तू। तो रानी, ये भीख मांगना हलाल है क्या? तुम मेरे अब्बे को जानता है? भीख नहीं मांगूंगी ना तो रोटी नहीं देगा वो, समझा तू? मजबूरी में काम करती हूँ मैं, तेरी तरह नाच गाने नहीं करती मैं। फिटे मुंह। अच्छा सुन ना, ये ले लेना, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही तो अच्छी लगी है मुझे। हाय तौबा तौबा, प्लीज आदमी, तुझे शर्म नहीं आती?
सारी दुनिया में तू ही रह गया मुझसे मोहब्बत करने वाला। जुत्ती लाके तुझे मारूं मैं? पलीत कहेगा। हट। अलिफ से अल्लाह और अलिफ से इंसान और अलिफ से आसमान, और ये अलिफ ही इंसान को आसमान पर रहने वाले अल्लाह से मिलाता है। मिट्टू उठ, फिर तू इथे आ गया है, चल उठ जाके भीख मांग। अबे ना तेरे टूटे टूटे कर देने। अरे रहने दे, लड़की क्या कर रही है, उसको पढ़ने दे। क्यों पढ़ने दूं है? तू हमारे घर का चूल्हा बालेगा, पागल ना दे, पढ़ने दो। अबे ने मेरे तेरे भी टूटे टूटे कर देने ने। चला दिमाग। अरे लड़की कहाँ लेके जा रही हो? चलो बच्चों पढ़ो, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह और अलिफ से इंसान, और अलिफ से इंसान। की पढ़ा रहा था वो तुझे? अलिफ से अल्लाह और इंसान के बारे में है। मैंने कहा अल्लाह एक है और उसने हर इंसान को एक जैसे बनाया। जुत्ती उतार के ना कुटना था उसे। ये जो वड्डी वड्डी गड्डियों में तुरते हैं, ये जो हवेलियों में रहते हैं, इनकी तो शक्लें भी हम जैसी नहीं है। ना इनका खाना हम जैसा है, ना पीना, ना इनके कपड़े जुत्ती हम जैसे, तो इनकी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। तो पागल बातें क्यों करता है? अरे मुझे क्यों मार रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मास्टर साहब बोल रहे थे मुझे। वो ना किताबें पढ़ पढ़ के उसका दिमाग भी ना लस्सी वर्गा हो गया। पागल जाना हो बेटे, तू उसकी बातें ना किया कर। अच्छा चला पीक मांगनी, अब्बा सुटेगा सानू बाहर। मेरे से जोड़े हैं ना? अम्मा जोड़े तो अच्छे हैं, लेकिन मेरे थोड़ी हैं, यास्मीन के हैं। उसके लिए कितने अच्छे अच्छे रंग लेके आई है, मेरे लिए देखे। अरे नाजी मुझे तो पहले ही पता था तुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, इसीलिए सबसे महंगी दुकान से तेरा जोड़ा लेकर आई। वो जो मूर्तियां पहनती है ना वो लेकर आई हूँ। ये देख, ये देख कैसा है। हाँ ये कुछ ठीक है, सेट लाई है इसके साथ। हाँ हाँ सेट भी है, कितना खूबसूरत सेट लाई। ये देख अम्मा, ये क्या है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। हाय नाजी क्या हो गया, इतना महंगा और खूबसूरत सेट लेकर आई हूँ तुझे पसंद ही नहीं आ रहा? इतने ज्यादा नखरे हो गए तेरे। अम्मा मुझे पसंद नहीं आया तो नहीं आया, तो मैं क्या करूँ अब? जबरदस्ती है कोई? देख तो ले अच्छी तरह। नहीं देखना अब। है? ये मेरी प्यारी बच्ची को किसने नाराज किया है, है? क्या हुआ बेटा? अम्मा देखिए ना, अम्मी मेरे लिए इतना बुरा सेट लेके आए, कहती है पसंद भी करूं। अरे देखते हैं भाई क्या क्या ले आई हो भाई तुम इसके लिए। मलिक साहब देखें कितना खूबसूरत सेट लाई हूँ उसके लिए, और आपकी लाडली को पसंद ही नहीं आ रहा। अरे ये सेट तो बहुत खूबसूरत है, है लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसको कल एक और नया सेट ले दो ना, बड़ी बहन की शादी हो रही है, खुशी का मौका है, इसको जो दिल करता है लेने दो ना। तो कल माँ के साथ जाके शॉपिंग कर ली है। आपके लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ के रख दिया है। अब मैं इसके साथ लाड प्यार ना करूँ तो कौन करेगा? बड़ी तो जा रही है, इसने भी चले जाना है। कल ले जाना बाजार। हाँ जाके कल माँ के साथ जा, जो दिल में आता है वो खरीद। सुन लिया अम्मा? ले जाऊंगी ले जाऊंगी। कुड़ियो बस करो बस करो, कुड़ियो नाच गाना बंद करो, जाओ फंक्शन की तैयारी करो जाओ। हैला बाजी फंक्शन की तैयारी तो कर रही हूँ। क्यों जिम्मी? हाँ क्यों चुप करा रही हो बाजी? इसका गाना और डांस तो देखो। इसका गाना भी देखा, इसका डांस भी देखा, इसका गरारा भी देख लिया है। हाय बाजी मैं यही गरारा पहन के जाऊंगी और यही विग भी लगाऊंगी। शामू मेरी शहजादी कल सुन, कल मलिक साहब के घर शादी है, तू भी साथ चलेगी। ऐसा नची के बस बैजा बैजा हो जाए। नहीं नरगिस बाजी, मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद नाच गाना बिल्कुल बंद, कोई और काम करो। शामू कल सो मेहनत मजदूरी करेगी। हाँ हम जैसे लोगों को काम कौन देता, हमें तो कोई भीख भी नहीं देता। अरे बाजी तू क्यों दुखी हो रही है, कर लेने दे शौक पूरा, नाच गाना नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्यों हाथ टूट गए हैं क्या मेरे?
हाथों से कमा के दिखाऊंगा तुम लोगों को, देखना। हिजड़े के दिल में मेहनत की जो आग बढ़कती है ना, जब पेट खाली होता है सारी आग ठंडी हो जाती है। हाँ जो भी है, मैंने कह दिया ना नरगिस बाजी, अब मैं नहीं नाचूंगा, मुझे मजबूर मत करना। मेरी जान, मेरी शहजादी, मैंने मलकानी से एडवांस ले लिया। ठीक बात, अगर नहीं गए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, सिर्फ एक मर्तबा। अच्छी बात को समझने की कोशिश करना, मैं जब जब नाचने लगता हूँ ना तो पता नहीं दिल बैठता है मेरा, ये मेरे हाथ पांव मेरा साथ ही नहीं देते एक दूसरे का। तुझे नाचने के लिए कौन कह रहा है? तू नाचने के लिए जम्मी और फिरदौस ने, तू सिर्फ साथ चल। बस आज फिर दोबारा नहीं जाऊंगा कभी। नहीं मेरी जान, पक्का। निकालो फिर मेरे भी कपड़े, आ जाओ चाके तैयारी कर। अरे बजाओ कंबख्त, बजाओ। बासित यार, रूम में तेरा बैग पैक पड़ा हुआ है, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ, अब्बा जी का फोन आया यार, उन्होंने फौरन गांव पहुंचने को कहा है। क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, वो मलिक साहब है ना, उनकी हवेली में उनकी बेटी की शादी है, मुझे और अब्बा जी को सारे इंतजाम देखने। अबे तो तू उनके लिए असाइनमेंट इनकम्प्लीट छोड़ देगा क्या? नहीं यार, दो चार रोज में आके कम्प्लीट कर लूंगा, 7 बजे की बस है मेरी, 6 बजे निकलना है। मतलब शादी असाइनमेंट से ज्यादा जरूरी है, राइट? सलाह, अब्बा जी के लिए मलिक साहब का हुक्म और मेरे लिए अब्बा जी का हुक्म ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, शाहदेव बेटा। अरे माँ जी आइए, मैं आया था आपके कमरे में लेकिन आप नमाज पढ़ रही थी। हाँ हाँ बेटा, बस अब फारिग हुई हूँ तो आ गई हूँ तुम्हारे पास। ये क्या, सुहेल की शादी की तैयारी? हाँ जी, ये कुछ नए कपड़े लाया था लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा किस दिन पहनूं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है बेटा, ये मेहंदी पे पहन लो, ये शादी पे और वो वली में पहन। अरे माँ जी, आपने तो सारा मेरा मसला ही हल कर दिया। हाँ लेकिन तुम मेरा मसला हल नहीं कर रहे हो। कौन सा मसला? शाहसेब, खुदा के लिए बेटा अब तो कोई लड़की पसंद कर लो। मैं भी चाहती हूँ कि वो खुशकिस्मत दिन आए जब मैं अपनी बहू के लिए ढेर सारे जेवर और कपड़ों की शॉपिंग करूँ, इस पूरी हवेली में चरागाह हूँ, और जब मेरी बहू मेरे घर के आंगन में कदम रखे ना, खुशियों के फव्वारे फूटे, घर घर मिठाई बांटूं जाके मैं। अच्छा बस बस माँ जी। क्यों, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ खुश हो? अरे चाहता हूँ लेकिन कोई मेरे दिल में तो उतरे, कोई ऐसी जिसे एक बार देखूं तो बार बार देखने को दिल करे। तो मेरा बेटा, उसके लिए तो तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। माँ जी मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं लेकिन कोई इस काबिल तो हो जो इस दिल में दाखिल हो सके? या अल्लाह, तू ही किसी को इसके दिल में दाखिल कर दे मेरे मौला। किसी को नहीं, सिर्फ वो जो मेरे लिए बनी हो। या अल्लाह, इसके नसीब की इसको जल्दी मिला दे। चलो मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाओ। जी आया। ओए पला हो जाए तुम्हारा, अभी तक घर के कामों में लगे हुए हो, आज हवेली नहीं जाना? आज मलक साहब की बेटी की मेहंदी है, हवेली में पता नहीं कितना काम होगा। बासित के अब्बा, मेरा बासित खैर से काफी दिनों बाद आया शहर से। सबसे पहले तो मैं अपने लाल के लिए खाना बनाऊंगी, इसको खिलाऊंगी, उसके बाद कोई और काम करूंगी। चल चल जल्दी कर समीना पुत्र, तू भी उठ और चल के मलकानी जी की मदद कर। हैं बस अभी ये आटा गूंथ लूं फिर आती हूँ। ओ जाग गया मेरा पुत्र, हैं लगता है नींद पूरी नहीं हुई अभी। बस वो सफर में काफी थकावट हो गई अब्बा जी। ओ कोई नहीं, चल जो आना, हिम्मत कर,
तू हमारे साथ हवेली चल। वो मलिक साहब की बेटी की शादी के लिए तो तू आया है, वो आगे बाद के तू नहीं सारे काम करने, चल। लेकिन अब्बा जी, मलिक साहब ने खुद तो मुझे किसी काम का नहीं कहा। ले दस बेटा, मलिक साहब हमारे माई बाप है, इतना ख्याल करते हैं हमारा है? आज जो तू शहर में पढ़ रहा है उन्हीं की वजह से तो पढ़ रहा है ना। हाँ ये तो है। तो काका जी, जो बिन कहे हमारा इतना ख्याल करते हैं, तो हमें भी चाहिए ना कि बिन कहे उनका मान बढ़ाएं, आगे वध वध के उनके काम करें। ठीक है अब्बा जी, मैं मुंह हाथ धो के चलता हूँ आपके साथ। चल मेरा पुत्र, शाबाश। हाय, पहले इसको रोटी तो खाने दे। खाना किधर जा रहा है यार, तू पानी का छींटा एक मार, मैं फाइल लेके आता हूँ। चल शाबाश मेरा बच्चा। होती है हमारा तो ये काम है कि बस काम सारे ठीक हो जाएं। चीज पसंद ही नहीं आती, 10 दुकानें फिरती हो फिर कोई चीज उठाती हो। हां फोन करूंगा, जल्दी जल्दी उठाया करो ना, शॉपिंग किया करो। वापस। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? है बिल्कुल ठीक। क्या कुछ खरीद के ले आई है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी है मैंने। आपकी बेटी ने तो मुझे खपा के रख दिया। मलिक साहब, अगर आपका हुक्म ना होता ना तो मैं कभी इसके साथ ना जाती। भाई हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां नहीं पूरी करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसके चेहरे की मुस्कुराहट, इसकी इस मुस्कुराहट पर सब कुछ कुर्बान। ऐसे तो मैं अपने अब्बा से प्यार नहीं करती। मेरा बच्चा, आपके लाड प्यार ने तो उसे बिगाड़ के रख दिया है। अगले घर भी जाना है इसने? नहीं जाऊंगी। सलाम अर्शा सरकार, क्या हाल है? सलाम अलैकुम। वासत, कैसे हो तुम? अरे ये शहर जाकर तो तुम निकल चले गए। लगता तुम पढ़ने नहीं जाते, खाते पीते ही रहते वहां पे सिर्फ। मलिक साहब, हवेली में शादी है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। हाँ भाई, अच्छा क्या बात है, तुम आ गए। काम तो बहुत है भाई, शादी का घर है, लेन देन, मेहमानों की खातिर तवाजे, सारा इंतजाम तुम ही ने तो संभालना है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ सारे काम। मासित, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई? जी नहीं। इतना अर्सा हो गया तुम शहर गए हो, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? अरे बस कर दो, इसको काम बताना है और तुम अपनी पढ़ाई की बातें लेके बैठ गई हो। वही बात है, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना, ये तो ऐसे ही बोलती है। ले अबू, मैंने ऐसे क्या कह दिया जो बुरा मनाएगा ये? चलो चलो भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज तक मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी, कादर अली, शुक्रिया भाई। अरे सब सरकार, कैसी बात करते हैं आप माई बाप है, आप कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। जरा बाकी चीजें देख लो, किसी चीज की कमी है तो बता देना है। जी जी सर। हाँ भाई काका। अब ये देखिए, बासित उधर मिठाई रखवानी है अंदर, आजो आजो। खाने सामान नहीं इधर मुझसे, इसको अंदर रखवाओ, मिठाई को अंदर। अबे निशान आओ भाई, आजो, चल भाई जल्दी जल्दी, खुद अपनी सुपरदारी में अंदर रखवानी है, ध्यान से पुत्र, एक एक करके। हैं अच्छा, शाबाश मुल्कान जी, वो मिठाई रखवा दी, मेहमानों के साथ जाएगी। हाय अल्लाह, ढोला सानू प्यार दिया नशे चला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। हाय हाय जान सदके, मैं बारी मैं कुर्बान। हाय मुल्कानी, अल्लाह इस हवेली को कायम दायम रखे, बेटी के नसीब अच्छे हो। आमीन आमीन। हाय मुबारका मलकानी जी, मुबारका, सत सत मुबारका। मुबारक मुबारक, लेकिन भाई कोई शादी वाले गाने गाओ, रौनक कर डालो ना, इसीलिए तो आए। चल भाई बजा ढोल की। ढोला सानू प्यार दिया नचे अच पाके। नाज़ी दीदी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है, पहचानी नहीं जा रही। लेकिन पहचान ली है ना? हाँ हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल से। आज तो आप इतनी क़यामत लग रही हैं कि किसी का दिल आ ही जाएगा आप पर। अच्छा ना, बस इतना मत बनाओ, देख लीजिएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा अभी आप नीचे चले, मलकानी साहिबा बुला रही है, दूल्हे वाले आने वाले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन टीका कहाँ है मेरा? टीका लगाते वक्त ना
काला टीका भी लगा लीजिएगा। आ जाओ जल्दी से, ये सब कुछ इधर मेज पे रखना है। इधर रखो, ये इधर। हाँ समीना, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप गौहर बाहर और भी सामान पड़ा है ना, चीज़ वो लेके अंदर आ जाओ, सारी चीजों का इंतजाम तुम्हें देखना है, ख्याल रखना। अच्छा समझा। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? अरे वाह, लोगों को मिठाई दी जा रही है, मुझसे पूछा भी नहीं। सारी पैकिंग का सत्यानाश कर दिया आपने। तो मैं क्या करूं, मुझे मिठाई खानी थी, मैंने खा ली, तुम भी खा लो। मुझे नहीं खानी। अब ये पैकिंग कौन ठीक करेगा? तुम करोगे, और कौन करेगा? आप भी ना। मैं भी ना क्या, आज बड़ी बातें कर रहे हो। अब मामा के सामने तुम्हारी जबान नहीं चलती। और आपकी रुकती नहीं है। जबान होती बातें करने के लिए। मुझे बताओ कैसी लग रही हूँ? सड़ू गई का तुम क्या कांगड़? ढोला सानू प्यार दे आ नशे अच ला के ते हुण साडा जानू नहीं ओ बणदा, जानू नहीं बणदा। तुम हिजड़े यहाँ क्यों आए हो? क्या हो गया नाजी, मैंने बुलाया है ने? रौनक लगाने के लिए आपको ये हिजड़े मिले थे? गाना तो आता नहीं है, बस भय करी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से, निकलो तुम लोग। ऐसे नहीं बोलते इन लोगों से, बड़ी बददुआ लगती है। हाँ बददुआ तो उनकी लगनी है, पहले अपने आप की दुआ तो दे ले, फिर किसी और को जाके बददुआ देना। छोटी मलकानी, इतना गुरूर ना कर अपने मुकम्मल इंसान होने पर। जिस खुदा ने तुझे बनाया उसी ने हमें बनाया है। हाँ। अच्छा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके किसी हवेली में मेरी तरह बैठो ना। हाँ बड़े आए इंसान। ए मलकानी चल बस। हाँ बड़ा अकड़ रही है ना तू उस हवेली के लिए, तो जा फिर। तेरी भी नहीं रहेगी। चल बाजी। नहीं अरे जाओ जाओ चलो, पहले अपने औकात तो देखो, तुम हो क्या, पहले पूरे इंसान तो बन जाओ, फिर आके मुझसे बात करना। नहीं बोलते इस तरह। रहने दे अम्मी। मना किया था ना मैंने तुम लोगों को, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन जाना जरूरी था। हाय अल्लाह, इतनी जिल्लत, इतनी धुतकार, इतनी बेइज्जती। हाय उस कंबक के पास है क्या जिस पे वो करती है? आई बड़ी है क्या उसके पास? अरे तेरे पास क्या है? वो मुकम्मल है, तुम अधूरी। ऐसी धुतकार, इतनी बेइज्जती, उसके साथ भी ऐसा ही होगा तो उसको पता चलेगा। अम्मी नाक पे भी लगाइए। लगाए 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 बात अम्मा, दिल जलाया उसने हमारा। जब से पैदा हुआ उस वक्त से आग में ही जल। आप लोग बर्दाश्त कर सकते होंगे ये जिल्लत, मुझसे भाई ये बर्दाश्त नहीं होती। मैं इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। इज्जत, इज्जत शायद हम हिजड़ों के नसीब में है ही नहीं। हमारा क्या कसूर है बाजी? कसूर है हमारा, कसूर क्यों नहीं है? आई बड़ी, हम लोग मेहनत करके क्यों नहीं कमाते हैं? कौन सी मेहनत करें हम? नौकरी करने जाएं तो नौकरी कम और छेड़खानी ज्यादा करते, तमाशा बनाते, मजाक बन के रह जाते हम। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है बाजी, बस अब ये नाच गाना नहीं, मेहनत करके इज्जत कमाऊंगा, बता रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? अरे फिरदौस,
फिरदौस के गुस्से में कहीं चला ही ना जाइए। कहीं नहीं जाता, यही मरेगा, यही यही मरेगा, आ जाएगा। बैठ जा बाजी, बैठ जा। दुल्हा भाई नेक दिखा लिए। कैसा नेक? मैं आपकी इकलौती साली हूँ, नेक तो लेके रहूंगी आपसे, मतलब बहुत सारे पैसे, है ना? नेक 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 नेक। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ये 100 रुपया लाया। ऐसे पैसे अपने पास रखिए, हम जा रहे हैं। अरे अरे कहाँ जा रही है? लाए मैं हेल्प आउट कर देता हूँ, जितना चाहे नेक रख ले। हम आपसे पैसे क्यों लेंगे? हम सिर्फ दूल्हा भाई से पैसे लेंगे। अरे रख लो नाजनीन, वरना इनसे भी जाओगी। हम इनके पैसों के भूखे नहीं है, ये तो नेक है इसलिए मांग रहे हैं। आप दे सकते हैं तो दे दे, वरना रहने दे, हमें कोई भिखारा नहीं है। अरे भाई नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए तो मैं नया नोट लाया हूँ। बैठो बैठो बैठो। क्या आप सिर्फ पैसों से ही खुश होती हैं? जी हाँ, फिलहाल सिर्फ पैसों से, और कुछ? बस करो। ये! इतना सब अच्छा लेकर आई थी, माँ बन के पाला पूरा लड़का, ये तो इस कमबख्त फिरदौस ने उसको नाचने गाने पे लगा दिया। फिर मैंने तो सोचा था कि बड़ा होकर अपनी माँ का ख्याल करेगा, इस घर का मर्द। अरे आजा मेरे शहजादे, शुक्र है तू आ गया। तुझे पता है ना, तेरे बगैर तेरी माँ को नींद नहीं आती। क्यों? मैं तेरी माँ हूं। माँ? आप लोगों में रिश्ते कहाँ होते हैं बाजी? हमारे अपने हमें नहीं अपनाते ना, हम एक दूसरे को तो अपनाते हैं। लेकिन हम तो खोखले हैं ना बाजी, ना भला क्या बिगाड़ा है हमने अल्लाह का, जो जिस्म भी नाजुक इसमें दिल भी नाजुक रख दिया, क्यों क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, ये सब उसके फैसले। जाने दे बाजी, अल्लाह के फैसले। अल्लाह ने फैसला किया है कि हम लोग सारी जिंदगी भांड मरासी में गुजार दें, अल्लाह के फैसले। अच्छा चल, दुखी ना हो, हम है ना एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए। सो जा तू, मैं भी बस अभी सो जाऊंगा। मेरी जान मैं सो जाऊं, जा आराम कर। और सुन, कपड़े बदल ले। जाओ जाओ, चलो पहले अपनी औकात तो देखो, तुम हो क्या? पहले पूरे इंसान तो बन जाओ, फिर आके मुझसे बात करना। तौबा तौबा, प्लीज आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? सारी दुनिया में तू ही रह गया मुझसे मोहब्बत करने वाला, जुत्ती लाके तुझे मालूम है? इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। या तो मैं यहां से चला जाऊंगा या मर जाऊंगा। बाजी, कल की बेइज्जती से लड़ गई है, सारी रात तड़पो तड़पी करवटें बदलती रही है शम्मो। चल मेरी शहजादी, मेरी रानी, उठ जाना। मां सत के जाए मेरी बच्ची, आंखें तो देखो कैसी लाल हो रही हैं, सोई नहीं क्या सारी रात? इतनी बेइज्जती? ऐसी बेइज्जतियां तो हमारा मुकद्दर है, तू काहे को दिल पे लगा के बैठी है? हम मुकद्दर की तो बात कर रहा हूँ बाजी, और बाजी बचपन से लेके आज तक तूने तो खुद हमें बताया है कि अगर इंसान कोशिश करे तो अल्लाह रास्ता बनाता है ना बाजी, तूने खुद नहीं कहा बता? ये जो तेरा अल्लाह बातें कहता है ना सब, या तो मर्दों के लिए या औरतों के लिए, हम हिजड़ों के लिए नहीं। नहीं क्यों बता जरा, क्यों? अल्लाह मियां सिर्फ उन लोगों का है? नहीं मैं इंसान नहीं हूँ क्या? बता, बोल, कहना क्या चाह रही है तू? आए पगली, हमें इंसान कौन समझता है? बाजी तू मुझे बस एक दफा जाने दे, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि हाथ खड़ा करके सबको बोलूंगा कि देखो इज्जतदार इंसान हूँ, इज्जत है मेरी भी दुनिया में, मेहमान नहीं हूँ मैं। नाचने गाने के अलावा कुछ आता है तुझे? क्यों कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं?
मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लोगों के वजन उठाने पड़े वो उठाऊंगा, वो भी तो लोग हैं ना बेचारे जो यहाँ सर पे ईंटें यूं लगा के कितनी मुश्किल से मेहनत करते हैं, करूंगा मैं। लेकिन बाजी बस अजी मेरी बस बाजी मैं मुझे जाने दे बाजी, मुझे रोकना बाजी, मुझे रोकना मत बाजी, मैं जा रहा हूँ। शम्मो तुझे खुदा का वास्ता है, शम्मो का वास्ता है, ना जा। मैंने तो तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है शम्मो, मैं तेरी माँ हूँ, माँ अपनी माँ को छोड़ के ना जा, मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। मैं भी तेरी मोहब्बत तो नहीं भूलूंगा बाजी, कभी भी नहीं भूलूंगा। तू बड़ी याद आएगी मुझे, ना जा। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। बैठो बेटा बैठो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। शाहजेब कल शादी पर गए हुए थे, तुम कैसी रही? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। कुछ सोचा है तुमने? छोटा है तुमसे और शादी हो गई उसकी, एक तुम होगी, तुम्हें कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। पसंद तो आई है। सच? वाकई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अब भी जाती हो रिश्ता लेके उनके घर? बता दूंगा माजी, इतनी जल्दी क्या? लो यानी अभी भी जल्दी नहीं है? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। वैसे होगी बहुत प्यारी जो तुम्हारे दिल में उतर गई। हाँ प्यारी तो बहुत है, बहुत मुख्तलिफ भी। माँ जी मैंने पहले कभी इतनी मुख्तलिफ लड़की देखी नहीं। अरे इसीलिए तो तुम्हारे दिल में उतरी है वो। अच्छा जल्दी बताओ मुझे नाम क्या है उसका? नाज़नीन। वाह नाम तो बड़ा प्यारा है भाई। अलिफ़ लाम इंसान।